हेलो दगड़ियो, पहला जय दियो। मैं कृष्णा गार्की, तो मैं आज अपने जिया जी के उसमें से ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। तो हम जहाँ जिया जी ने बताया होगा कि हम यहाँ शूटिंग के लिए आए थे, देख सकते हो आप। तो अब मैं जो यहाँ रहने वाले हैं, जो दो लोग रहते थे यहाँ, मैं उनको मिलाता हूँ, उनके साथ आपको मिलाता हूँ। वो बताएंगे कि क्या है यहाँ क्या नहीं। आप देख सकते हो यहाँ खूबसूरत न देख सकते हो आप। यहाँ भी इनका पूरा लाइसेंस इतना अच्छा हो रखा है, मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं, रहती हूँ। आर्मी टायर है, बहुत अच्छा। और ये देखो यहाँ पे पूरा धनिया धनिया फूल इतने अच्छे। और ये देखो ये यहाँ पे मच्छी तालाब है, इनकी मच्छियाँ भी यहाँ बहुत, मतलब इतना अच्छा लगा यहाँ पे पूरे जंगलों के बीच में। मतलब ऐसा सुकून मिल रहा है यहाँ, क्या बताऊँ एकदम। मतलब क्या मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मतलब हर जगह देखो ये मीठी बोलती है पहाड़ी हमारी। और ये वो है हाथ धोने वाला, तो यहाँ भी लहसन है, तो हम बाहरी आप पहचानती है वो, तो आप लोगों को हम मिलाते हैं उनको उनके साथ। तो अब हम आपको उनके उनका परिचय करवाते हैं। और ये हमारे ये हमारे सर गायक और लेखक भी हैं। सर तो आप कुछ बोलेंगे? बस मैं बोलूँगा कि आप लोगों के यहाँ आने से हमें बहुत अच्छा लगा है, और साथ आप आते रहे, हम चाहते हैं आप भी आएँ। और चार आदमी को और बताएं कि हमारे पास एक कैंपिंग गेस्ट हाउस है भटकल भट्ट की सुंदर वादियों के बीच में, पहाड़ियों के गोद में बसा हुआ ये कैंपिंग हाउस हमारा, एक बार जरूर आए। तो थैंक यू सर। तो आप हम ये सर से बोलेंगे कि आप क्या बोलने जाएंगे? आज हमारा बड़ा वो भाग्य है कि यहाँ पर रेणु जी आए हुए हैं, उनके हस्बैंड आए हुए हैं, उनके भाई आए हुए हैं, उनकी बिटिया आई हुई है। और इसी तरह हमने एक झोला भी रिकॉर्ड किया हुआ है, जल्द ही आपके सामने आएगा, टीडी बसंता के नाम से है। और देखिएगा, झोले को लाइक कीजिए और रेणु जी का मनोबल बढ़ाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये हैं जिया जी, ये कुछ बोलेंगे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे? अभी जो दो लोग हैं ये बहुत ही पुराने सिंगर और राइटर हैं, ये दो लोगों से आप लोगों को मिलाया हम लोगों ने, इनसे मिलने आए थे हम लोग, हरीश भट्ट जी और वर्मा जी, हरीश वर्मा जी। और ये तो दिल्ली रहते हैं, कभी कभार यहाँ आते हैं और वही गाना हमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है दीदी, क्या आपको कैसा लगा आप बताएंगे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ, आइए यहाँ तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ के बारे में। हमारे सर जी आए हैं, उन्होंने अपना परिचय दे दिया है, तो आप लोग मिलिए उनसे, बहुत अच्छा सॉन्ग लिखते हैं। और बाकी मैं क्या बताऊँ आप उनके बारे में, बाकी उन्होंने बता दिया है। और ये है हमारे भट्ट जी, यहाँ इनका गेस्ट हाउस है, देखिए कितना सुंदर है। आप लोग क्या उसका बहुत मतलब इतना जंगलों के बीच में, मतलब इतना सुंदर जा रहे हैं यहाँ, सुकून मतलब एक बहुत अच्छा, ये इनका बता दिए बहुत चढ़ाई है और पैदल रास्ता भी है। सूर्य मंदिर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रास्ता है यहाँ से, कम
आधा किलोमीटर तो है ही, ऊपर है मंदिर पहाड़ी ऊपर। वो देख रहे हैं बहुत दूर पे भी ये रास्ता जा रहा है कटारमल सूर्य मंदिर का, बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है। आज मैं बच्चों के साथ यहाँ पर जा रहा हूँ और ये देखिए लोग आ रहे हैं मानवी थोड़ी देर में हम मंदिर पहुंचने वाले। थक गए हैं लोग आ रहे हैं, थकान होगी छुट्टी को भी। सुबह से बस सामने मंदिर दिख रहा है, पहुंचने वाले हैं अभी। वहां जाके आप लोगों को वहां मंदिर का वीडियो भी सब दिखाएंगे कितना अच्छा मंदिर, कितना प्राचीन है वही मंदिर है। वहाँ सूर्य के निकलवा कटारमल में एक और नाटक कटारमल सूर्य मंदिर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर भगवान सूर्य के बारे में लिखा हुआ है, सूर्य मंदिर सिंगर को लेके। ये देखिए हमारी सिंगर, इधर देखो, इधर देखो, ये लोग आए हैं, इनको हमारे चैनल का नाम काली दर्शन म्यूजिक है। अभी हमने एक कुड़गाड़ी माता का वचन निकाल रखा है अभी, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आगे भी ऐसी पसंद करते रहना। उसके बाद हमारा एक नया जोड़ा आने वाला है, बहुत जल्द आप लोगों को हमारा नया झोड़ा सुनने को मिलेगा। उसके बाद फिर एक झोड़े की हमने रिकॉर्डिंग कल कर रखी है, केड़ी बसंता करके एक झोड़ा है वर्मा जी और इन लोगों के साथ, पुराने जो लेखक हैं गायक हैं भट्ट जी, गिरीश भट्ट जी और इनके साथ। और अभी तब तक आप देखिए कटारमल सूर्य मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर, सुंदर से मंदिर है। काफी छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर कटारमल मंदिर देखने के लिए।
स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए पूरा ग्रुप आया हुआ है। और ये मानवी देखिए यहाँ पर बैठी हुई है, और आज मानवी सूर्य मंदिर आई है, कटानो सूर्य मंदिर, दो तीन दिन से घूमने में है ये। और सामने देखिए अल्मोड़ा है, लेकिन दूर काफ़ी पहाड़ियाँ, ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर जगह है।